जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश यानी कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2023 के बारे में कि एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है, किस लिंक का इस्तेमाल करके डाउनलोड करना है। इसके अलावा अगर आप बताए गए प्रोसेस के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे किसी भी रीजन से, तो आप मेरे द्वारा भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहाँ पर अपनी जानकारी सेंड करनी है ये आप इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे। पहले आप ये जानेंगे कि कैसे आप कहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और क्या आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल है अभी के लिए डाउनलोड करने के लिए, ये सब आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अगर आपका मन है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये वैकेंसी आपकी 7090 पद पर निकाली थी, जैसे कि आप सब जानते हैं। एंड इसके जो फॉर्म थे वो आपने 10 जुलाई 2023 तक भरे थे। इसमें यहां पर गाइस आपका सिलेक्शन इन राउंड में होगा, जिसमें कि पहले रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन आपका मेडिकल एग्जाम। तो ये जानकारी मैंने इसलिए बताई ताकि आप भूल गए हो, वैसे तो आपका भूलना बनता नहीं है, वैसे इतनी कम वैकेंसी आती है। तो चलिए आप यहां पर ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आएंगे। और अब आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी तक आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, आप चिंता मत कीजिए। आज की डेट यानी कि 3 से 4 अगस्त के अंदर 3 अगस्त की रात तक आपका लिंक 100% एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि जब लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी तब भी आपके 10 दिन पहले से जो आपके लिंक थे वो एक्टिवेट किए थे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के। और इसमें भी जो यहां पर आपकी डेट रखी है एग्जाम की वो आप देख सकते हैं 12 अगस्त 2023 है। तो आज शाम तक आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। एंड यहां पर अब मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूं कि अब आप जैसे ये लिंक ओपन करेंगे आप यहां पर होम पेज पर भी आएंगे, और जहां पर आपको इस तरह से जैसे कि टेस्ट, एडमिट कार्ड, हायर स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट, इसी तरह से आपको यहां पर आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का लिंक देखने को मिलेगा, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। बट मैं आपको उसको डायरेक्टली यहां पर अपडेट करूंगा। आप यहां से एक सिंगल क्लिक करके ऐसे इंटरफेस पर आ जाएंगे जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आप यहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर एंटर करेंगे जो कि आपका 13 डिजिट का है, और फिर आप यहां पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो आप यहां पर डालेंगे। एंड इसके बाद में जो भी आपके सामने कैप्चा कोड आएगा वो आप यहां पर डाल करके जैसे सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है वो आ जाएगा, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आपकी एग्जाम सिटी क्या है और आपकी एग्जाम डेट। और फिर जो भी आपकी एग्जाम सिटी एग्जाम डेट है उसके 3 से 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट या फिर डाउनलोड कर पाएंगे, यानी कि पहले आपका स्टेटस आता है फिर उसके बाद में आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड और प्रिंट कर पाते हैं। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका ऐसा रहेगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। ये आपका डेमो के लिए एडमिट कार्ड इसलिए आपको दिखाया जा रहा है कि ताकि आपको इसी वीडियो से सभी जानकारी एक्सप्लेन की जा सके। आपको आपके एडमिट कार्ड के अंदर आपकी सभी जानकारी जानने को मिलेगी, आपका एग्जाम सेंटर होगा, आपकी एग्जाम डेट होगी और किस टाइमिंग पर आपका एग्जाम है वो भी आपको एग्जामिनेशन टाइम के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा रिपोर्टिंग टाइम क्या है वो आपको दिया जाएगा, और जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उसके आपको आधे से 1 घंटा पहले वहां पर पहुंच जाना है। एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना है अगर उसकी बात करें तो आपको एक तो आपका एडमिट कार्ड एक कलर में लेकर के जाना है, दूसरा आपको एक गवर्नमेंट द्वारा जारी आईडी लेकर के जानी है जो कि ओरिजिनल में होनी चाहिए, जिसमें कि आप मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट लेकर के जा सकते हैं। इसी के साथ में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थियों, यानी कि अगर आपके पास ओरिजिनल फोटो आईडी नहीं होगी तो आपको वहां पर एग्जाम सेंटर में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य, यानी कि आपका वहां पर बायोमेट्रिक भी सत्यापन किया जाएगा। तो गाइज ये तो आपने इसके डेमो की जानकारी जानी कि कैसा आपका एडमिट कार्ड रहेगा। अभी आपके मन में सवाल हुआ कि जब एडमिट कार्ड आया नहीं है तो क्यों बकवास कर रहा है और जब आएगा तभी वीडियो बनाना, तो बट ऐसा नहीं है, आपको पहले एडवांस में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट ये सोच करके परेशान हो जाते हैं कि यार आ चुका है और मेरा अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ, क्या पता हो ना हो। इसलिए आपको ये सब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप चाहे एडमिट कार्ड आपका यहाँ पर लिंक एक्टिवेट हो भी जाए, आपको यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन करके इस लिंक का इस्तेमाल कर
करना है और जैसे ही एक्टिवेट होगा उसके तुरंत आपको यहाँ पर लिंक अपडेट कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अपना एडमिट कार्ड सिंपली डाउनलोड कर पाएंगे। अब गाइज उनकी बात करते हैं जो कि मेरे द्वारा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना चाहते हैं, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आता है तो वेबसाइट का सर्वर काफ़ी डाउन जाता है और इस बार तो वेबसाइट का सर्वर काफ़ी डाउन जाने ही वाला है, क्योंकि काफ़ी संख्या में जो कैंडिडेट है वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे। तो ऐसे में क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपके नंबर पर सेंड करूँ, वो भी बिना किसी चार्ज के, तो आपको क्या करना है उसके लिए? तो गाइज जो लिंक मैंने आपको ये दिया है इसी में आप सबसे लास्ट में आइएगा, सबसे लास्ट में, और जहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ यहीं पर आपको जानकारी सेंड करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जानकारी सेफ रहेगी। तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप आपका नाम देंगे, आपकी ईमेल आईडी देंगे, फोन के अंदर आपको आपका व्हाट्सअप नंबर देना है, क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का पीडीएफ सेंड किया जाएगा या फिर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया जाएगा। मैसेज के अंदर आप यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो देंगे, साथ ही जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिखेंगे, एंड साथ ही आप यहाँ पर लिखेंगे एमपी पुलिस एडमिट कार्ड 2023, क्योंकि मेरे पास और भी काफी सारे एग्जाम के एडमिट कार्ड आंसर की रिजल्ट चेक करने की इन्फॉर्मेशन आती रहती है, इसलिए अगर आपने डिपार्टमेंट नेम यानी कि किस चीज़ की जानकारी है ये नहीं लिखा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मुझे इस जानकारी का क्या करना है। इसलिए गाइज आप एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ के साथ में एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर एमपी पुलिस एडमिट कार्ड 2023 लिखिए और सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी और मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके या फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करके जो भी बेसिकली आपका प्रोसेस है वो आपको चेक करके बताया जाएगा और उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि यार जो आपने इतने टाइम से मेहनत की है कहीं वो आपकी वेस्ट न चली जाए आपके किसी गलती की वजह से या फिर किसी भी लापरवाही की वजह से, जिससे कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे। तो मेरी कोशिश है कि यार आपका कोई भी इतनी मेहनत जो आपने की है उसमें से एक कण भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको समय से पहले भेजूं और उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज, जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि नहीं लिया जाएगा, फ्री सेवा रहने वाली है। अब गाइज मेरे माइंड में एक सवाल आ कि कुछ कैंडिडेट का सवाल ये भी हो सकता है कि सर एप्लीकेशन नंबर भूल चुका हूं तो मैं उसको कैसे रिकवर करूं, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर यहां पर कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता एप्लीकेशन नंबर को रिकवर करने का, तो कहां से हम उसको रिकवर कर सकते हैं? तो इसके लिए भी मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपना एप्लीकेशन नंबर रिकवर करेंगे। तो गाइज आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आइए और आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लॉगिन लिंक ये ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आएगी। अब आप यहां पर उम्मीदवार प्रोफाइलिंग में आइएगा और यहां पर गाइज आपको देखने को मिलेगा आवेदक का प्रोफाइल, पंजीकरण क्रमांक, प्राप्ति। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर क्या आपने प्रोफाइल में पंजीकृत मोबाइल नंबर डाले, यानी कि बेसिकली आपको नंबर डालना है जो कि आपने रजिस्टर्ड किया था वो आप यहां पर डालिए। ये आपको नंबर डालने आगे बढ़े इसके ऊपर क्लिक कीजिए, देन आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल करके आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे इस लिंक का इस्तेमाल करते हुए तो आपको आपका प्रोफाइल पंजीकरण नंबर मिल जाएगा, यानी कि और उसके बाद से आप फिर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी आप निकाल पाएंगे। तो इस तरह से आप यहां पर अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो प्राप्त कर सकते हैं। सो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2023 के बारे में। आई होप आपको यहां पर सभी जानकारी समझ आई होगी। अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।